हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिसनाई नर्सिंग क्लासेस। मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो पर डिस्कशन करने जा रहे हैं नोट से 2021 का शिफ्ट टू सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, जिसमें इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें अपन 120 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे 121 से लेकर 183 तक। जी हाँ, 183 तक हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के सहयोग से, सोशल मीडिया से। और खास बात यह रहेगी हमारे पेपर की, और आपको पता ही है कि विथ 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो शायद ही किसी कोचिंग वालों ने, किसी यूट्यूबर ने आपको सॉल्यूशन करवाया हो, आपको सॉल्व करवाया हो। जी हाँ, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर पूरा मेमोरी बेस्ड है। कुछ ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं एक्चुअल पेपर से, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको एग्जैक्ट इज क्वेश्चन याद हो कोई और उसके ऑप्शन याद हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम पेपर की और एक्यूरेसी उसमें मोर एक्यूरेट कर सकें, और ताकि जब बुक में पेपर प्रिंट होने जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर एक्यूरेट होकर आए, ताकि आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए या जो अगला एग्जाम्स होगा नोट सेट का या अदर एम्स या अदर कोई भी ASICRRB, उसके लिए उसके पेपर का पैटर्न समझने में फ्यूचर ऑफिसर्स को आसानी रहे। ठीक है, तो आपके सहयोग की उम्मीद के साथ में अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, कोई इस चैनल पर नया हो, हमारे चैनल पर नया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन आज के पेपर की, आज के इस वीडियो की। यहाँ से अपन फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 121 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्सेप्ट। एक को छोड़कर तीन इसमें जो रिलेटेड है, किससे? पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रिलेटेड, PTSD शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, ठीक है, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। बींग सेड ड्यू टू द इवेंट एंड अनइंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज, प्रेजेंट स्टार्टर रिफ्लेक्स है, वो PTSD में सीन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। देखिए, मेस्टाइटिस की बात कर रहे हैं अपन, चाहे वो लैक्टेशनल मेस्टाइटिस यानी कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसको अपन लैक्टेशनल या लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। उस पीरियड के दौरान मेस्टाइटिस होता है तो लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। और मेस्टाइटिस कौन सा ही हो, उसका मोस्ट कॉमन कॉज में पहले ही बता चुका उसका क्या है, स्टेपाइलोकोकल या स्टेपाइलोकोकस ओराई। ठीक है, ब्रेस्ट एब्सेस का भी मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए नॉर्मल वेजाइनल लेबर इज कंडक्टेड। देखिए, नॉर्मल वेजाइनल लेबर की क्या डेफिनेशन है, क्या क्राइटेरिया जो पूरे अपन ने यहाँ पर रेशनल में रखे हैं, आपको पूरा पेपर रेशनल के साथ मिलेगा। मैं और आपको बता दूं, देखिए पूरा पेपर विथ 4 ऑप्शन विथ रेशनल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने एम्स नोट सेट का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, ताकि आपको अगर नहीं दिया तो आपको अगले नोट सेट 2022 का पेपर समझने में आसानी रहे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें पेपर को। ए नॉर्मल लेबर इज कंडक्टेड विच एक्टिविटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर। देखिए, नॉर्मल लेबर में क्या एक्टिविटी ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर। देखिए, गिव द फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर नॉर्मल लेबर में नहीं होता, ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती अगर आप फंडल प्रेशर दे रहे हो तो। गिव इपिसियोटोमी भी नॉर्मल लेबर में नहीं आता। गिव द पेरिनियल सपोर्ट, पेरिनियल सपोर्ट आपके नॉर्मल लेबर में आता है, ताकि पेरिनियल सपोर्ट इसलिए दिया जाता है ताकि यूट्रस बाहर नहीं आए, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह को या फिर प्लेसेंटा वगैरह एक साथ उसके वो प्रोट्रूड ना हो सडनली, इसलिए पेरिनियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर एक नॉर्मल लेबर का एक क्राइटेरिया है। अब गिव द मिथार्जिन टू द पेशेंट, ये भी नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, यानी कि गिव द पेरिनियल सपोर्ट इज ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वेजाइनल लेबर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके अदर एग्जाम के पर्पज से भी। देखिए, द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी प्रेजेंट टू कॉल इट नॉर्मल लेबर। क्या क्या क्राइटेरिया, एक तो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन होना चाहिए, एक सिंगल यानी कि ट्विन नहीं होना चाहिए, सिंगलेटन होना चाहिए, फुल टर्म होना चाहिए, मेच्योर फिटनेस होना चाहिए, कहाँ पर 37 से 42 वीक के बीच में, तो नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया फॉलो करेगा। अगली कंडीशन क्या है,
थ्रू द बर्थ कैनाल और वेजन एंड डिलीवरी, उसकी डिलीवरी होना चाहिए बच्चे की, फिटस की, प्रेजेंटेड बाई वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, विथ इन ए रीजनेबल टाइम, यानी कि ना तो प्रेसिपिटेटस लेबर होना चाहिए ना ही प्रोलोंग्ड लेबर, यानी कि 3 आवर टू 18 आवर के बीच में कंप्लीट डिलीवरी, यानी कि तीनों स्टेज लेबर की कंप्लीट होनी चाहिए, विदाउट एड, यानी कि एपिस्यूटोमी या ऑक्सीटोसिन बिना दिए लेबर होना चाहिए, विदाउट कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड और फिटस। अगर ये सभी क्राइटेरिया फॉलो होते हैं तो उस कंडीशन को अपन नॉर्मल लेबर बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके अगले एग्जाम्स में काम आए। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी को अगर वीडियो ब्लर्ड दिखाई दे रहा है तो आपने यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें ताकि आपको वीडियो की क्लियरली दिखाई दे, और वीडियो आप अपना मोबाइल हॉरिजेंटल पोजिशन में रखकर देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, आपको इसको मैच करना है। देखिए मिजल्स, बीसीजी, एचआई, हिब एंड ओपीबी, इनका क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, इधर डिजीज का नाम दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मिजल्स सबक्यूटेनियस से A4 एंड बी बीसीजी इंट्राडर्मल B3 एंड हिब इन IM C2 पर हो गया, और ओपीबी जो ओरल है A4DA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विच रूल यूज टू कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंट लेडी, गेस्टेशनल एज मेजर करने के लिए प्रेगनेंट लेडी में कौन सा रूल यूज करते हैं, सबको पता है नेगेल्स रूल यूज करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। मोस्ट कॉमन वीनस असेसाइट इन अपर लिम्स, देखिए अपर लिम्ब यानी कि अपर आर्म की बात कर रहे हैं कि इसमें मोस्ट कॉमनली वीनस साइट यानी कि पेरिफेरल कैनुलेशन यानी कि IV कैनुला लगाने के लिए मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड साइट कौन सी है, वो क्या हो जाएगी, बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन की भी आगे जाकर ब्रांचें हो जाती है, जैसे मानकर चलिए यहाँ से बेसिलिक वेन आ रही है, ये यहाँ पर मीडियन क्यूबिटल वेन हो गई ऑप्शन में, लेकिन वो थी नहीं, सिपेलिक वेन हो गई, ठीक है, बेसिलिक वेन यहाँ तक आ रही है, इसके बाद में और अदरे बढ़ती बढ़ती सिपेलिक वेन यहाँ तक आ रही है, तो ये एक तरह से आपके जो वेन ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें जाए अपन तो यहाँ पर बेसिलिक वेन इज द मोस्ट कॉमन वीनस असेस साइट इन अपर लिम्ब। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, देखिए ए चाइल्ड कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ फीमर, थॉम्सन ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देखिए थॉम्सन ट्रैक्शन लगाया है, थॉम्सन ट्रैक्शन के बारे में आपको बता दें, विच इज ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में अकर इन फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग फ्रैक्चर, देखिए कोई भी फ्रैक्चर होता है तो फर्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होता है, वह मोस्ट कॉमनली अगर हो सकता है तो वो है फेट एम्बोलिज्म, राइट आंसर है फेट एम्बोलिज्म, ये होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, अगर फर्स्ट 24 आवर्स में इसके चांस होते हैं ज़्यादा, और आप मोर देन 24 आवर्स की बात करें तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेज होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब इस कंडीशन से यानी कि फेट एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस फर्स्ट फॉलोइंग फर्स्ट 24 आवर्स में या आफ्टर फ्रैक्चर क्या लिम्ब, जो भी फ्रैक्चर लिम्ब होती है उसको क्या है कि इमोबिलाइज्ड रखा जाता है ताकि जो फेट के अंदर बोन मैरो होता है वहाँ से एम्बोलिज्म नहीं बने, उसी को अपन फेट एम्बोलिज्म बोल रहे हैं। फेट फ्रैक्चर बोन के जो बोन मैरो ब्लड स्ट्रीम में आके वहाँ पर इम्बोलस बना सकता है, तो इसी पर्पस से फ्रैक्चर्ड लिम्ब को इमोबिलाइज रखा जाता है ताकि वो बोन मेरो वहाँ से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में नहीं आए और इम्बोलस नहीं करे, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या हो गया फ्रैक्चर का, एक तो प्रिवेंट इम्बोलिज्म, एक हो गया प्रिवेंट स्पाज्म, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप थॉमस स्प्लिट की बात करें, इंडिकेशन फॉर यूज मिड साफ्ट फ्रैक्चर ऑफ द फीमर हो जाएगा इसका, आर यूज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू सपोर्ट द फ्रैक्चर एंड अलाउ फॉर ईजी मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट अंटिल सर्जरी इज परफॉर्म्ड, यूज टू रिलीव मसल स्पाज्म एंड इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्ड लिम्ब। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वॉट इज द मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम इन फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो क्या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी, उसमें होगी स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस क्या होगी, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिनेशन, यानी कि उसका यूरिन रुक रुक कर आएगा, उसका कारण है कि ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर मसल्स, ड्यू टू पार्शियली लॉस ऑफ द ब्लैडर मसल, पार्शियली लॉस ऑफ द टोन ऑफ द ब्लैडर मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स या ब्लैडर मसल्स का वीकनेस हो जाती है, कब,
फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। सो मोस्ट कॉमनली क्या सीन होगा, इनकंटिनेंस यूरिनरी। इनकंटिनेंस में कौन से वाला, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। अगले क्वेश्चन की बात करें, नर्स इज गोइंग टू प्लेस ए हेमिप्लेजिक पेशेंट इन प्रोन पोजिशन, विच इज द फर्स्ट एक्शन। देखिए हेमिप्लेजिक पेशेंट की बात करें यानी कि क्या होगा उसका, पैरालिसिस इन अपर आर्म, करेक्ट है, ठीक है। अब अपर आर्म में पैरालाइज्ड है, उसको पोजीशन देना है, गोइंग टू प्लेस हेमिप्लेजिक पोजीशन प्रोन पोजीशन। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो पैरालाइज्ड आर्म है उसको आपको टॉप पर रखना है विथ पिलो सपोर्ट। तो इस कंडीशन में राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, टर्न द फेस ऑन अफेक्टेड साइड। सबसे पहले फेस को अफेक्टेड साइड में टर्न करके उस अफेक्टेड साइड को क्या करना है, अफेक्टेड साइड की तरफ उसको कवर करवट देनी है। तो आपको ये देखना है, मेरे पास इसका ऑप्शन करेक्टली नहीं आए मेरे को जहाँ तक, मैंने इसको काफ़ी ठीक करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन हो इस 129 क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ स्टूडेंट सहयोग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, कोई सारे कब सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं। आप भी हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज कर क्वेश्चन को करेक्ट करवा सकते हो, लैंग्वेज को थोड़ा वो ठीक करवा सकते हो, ठीक है। लेटर ईमेल टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये हो जाएगा कि इसके ये हो जाएंगे एक चैनल का, लेटर के थ्रू अपन किसी को मैसेज भेजते हैं, मेल के थ्रू भी अपन मैसेज भेजते हैं, टेलीफोन के थ्रू भी अपन मैसेज, ये चैनल का काम करते हैं, बाकी जो मैसेज होता है वो उसके इनके थ्रू पहुँचता है। हाउ मनी टाइम्स कॉमन कोल्ड कंसिडर नॉर्मल एट टू ईयर ऑफ एज। देखिए कॉमन कोल्ड की बात करें तो एक्चुअली क्या, जो बेबी होते हैं उनमें कॉमन कोल्ड ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती रहती है, साल में हर महीने दो महीने पर होती रहती है। उसका कारण है कि एक तो वो जो उनका इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, और जो कॉमन कोल्ड होती है, कॉमन कोल्ड के बैक्टीरियाज होते हैं वो नॉर्मली जैसे ही उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो ग्रो कर जाते हैं, और बेबीज का प्रोन टू इन्फेक्शन जैसे होते हैं उनकी लो इम्यूनिटी की वजह से या फिर थोड़ा वो हाइजीनिक कंडीशन की वजह से। तो इसमें राइट आंसर की अगर बात करें अपन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विच इज ए मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड। देखिए यहाँ पर अगर इन्फेक्शन पूछा है कि या मोर्टेलिटी रेट पूछिए, क्या पूछा है कि एग्जैक्टली था नहीं, बाकी इसे ही क्वेश्चन आया है। तो अगर अंडर 5 चिल्ड्रन की बात करें वर्ल्ड वाइडली, तो न्यूमोनिया होता है जो मोस्ट कॉमनली होता है, और यही मोस्ट कॉमनली कॉज है किसका, IMR का, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबली इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले न्यूमोनिया ही आता है, मोस्ट कॉमन देन डायरिया एंड मलेरिया वगैरह वगैरह आते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ एल्कोहलिज्म लीगली अलाउड फॉर ड्राइविंग इन इंडिया। देखिए ड्राइविंग करने के लिए इंडिया में मैक्सिमम एल्कोहल की मात्रा कितनी हो सकती है, वो है 0.03 और 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इंडिया, और अगर USA की बात करें वहाँ 80 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, यानी US अदर जो कंट्रीज वगैरह है यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में। तो यहाँ इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30। अगर क्वेश्चन में इंडिया में पूछा था तो राइट आंसर ए होगा, अगर वर्ल्ड वाइड पूछा था या US का पूछा था तो राइट आंसर डी, बट मेरे भी जहाँ तक क्वेश्चन में इंडिया होगा तो राइट आंसर 30 mg पर डेसिलीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लगा हुआ है यानी कि कर्ड उसका आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक है। ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, आंवला, यानी खट्टे पदार्थ है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, आपको याद रखना IOD से, आई फॉर आयरन और डी फॉर ड्यूडेनम, यानी कि आईडी कार्ड से आप याद रख सकते हो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। अब मैं आपको दो क्वेश्चन और यहाँ पर रखा है मैंने, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन के पिछले पार्ट में थे जहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक रहा और मेरे पास लैंग्वेज भी करेक्शन हुआ। एक तो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दे डिनोट इन फॉलोइंग इमेज, इसका अपन ने क्या वीडियो में क्वेश्चन में जो पार्ट सेकंड में डिस्कशन करवाया था उसमें उसका राइट आंसर यूज फॉर कट द स्किन रखा था, लेकिन इसका यही अगर ऑप्शन थे तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड। ये जो नाइफ हैंडल है, स्कैल्प होल्डर, नाइफ हैंडल जो भी है, इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, नाइफ होती है ब्लेड को फिक्स करने का यूज होता है। कट कौन करेगी, कट तो ब्लेड करेगी। अगर ये के ऑप्शन थे तो राइट आंसर उसमें ए हो जाएगा। इसका यूज पूछ रहे हैं तो यूज फॉर फिक्स द सर्जिकल ब्लेड, और अगर नीडल का सॉरी ब्लेड का यूज पूछ रहे हैं तो फिर यूज फॉर कट द स्किन, इस तरह से इसका आंसर होगा।
एक क्वेश्चन ये था जिसका थोड़ा सा पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, पिछले पार्ट में, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको कमेंट करके मेरे को करेक्शन करवाया, धन्यवाद उन स्टूडेंट्स का। ए लैक्टेटिंग मदर विथ कार्पोपेडल स्पाज्म कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्शन। देखिए लैक्टेटिंग मदर है और कार्पोपेडल स्पाज्म आ रही है, यानी कि उसको क्या हो रखा है कि कैल्शियम का लेवल उसका डिक्रीज हो रखा है, यानी कि हाइपोकैल्शियमिया हो रखा है। अब आपको पता हाइपोकैल्शियम हो रखा है तो उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डी होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% होता है, 10% 10 ml ओवर 10 मिनट, ट्रिपल 10 10 की गाइडलाइन ऐसे मानकर चलिए। अगर हाइपोकैल्शियमिया का पेशेंट आपके पास आता है जिसके कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहे हैं तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10 मिनट तक में उसमें उसको एडमिनिस्टर करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, पेशेंट इज हैविंग आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रोपेरा हैज स्प्लेनेक्टमी, वॉट विल बी द स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर दिस पेशेंट। देखिए यहाँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रोपेरा का पेशेंट है, यानी कि प्लेटलेट्स की उसकी कमी और की डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट ने, तो इस कंडीशन में आपको क्या इंटरवेंशन करना पोस्ट ऑपरेटिवली ना, तो वो क्या है कि ब्लीडिंग प्रोकोजन आपको इनिशिएट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेशेंट विथ पार्किंसन सिंड्रोम रिसीव कंटिन्यूस लियोडोपा टू प्रिवेंट वॉट कॉम्प्लिकेशन। देखिए पार्किंसन सिंड्रोम का पेशेंट है वो कंटिन्यूसली लियोडोपा ले रहा है, तो किस लियोडोपा क्यों दिया जा रहा है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट होने के लिए दिया जा रहा है, साइकोसिस एग्नोसिया टेक्सिया एंग्जाइटी, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। और आपको कोई एग्जैक्टली ऑप्शंस पता हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टेक्सिया जाएगा, वैसे राइट आंसर इसमें देखिए लियोडोपा इज द प्रकजर टू डोपामाइन, यानी कि डोपामाइन का प्रकजर है कौन, लियोडोपा। लियोडोपा क्या करता है, वैसे पार्किंसन सिंड्रोम या डिजीज में क्या होता है, डोपामाइन की कमी हो जाती है, तो लियोडोपा जो मेडिसिन दी जाती है ये क्या करता है, डोपामाइन के लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है कि लियोडोपा को किस प्रिवेंट करने की, जो ब्रेडिकाइनेटिक सिम्टम्स होते हैं जो कार्डिनल साइन होते हैं किसके, पार्किंसन सिंड्रोम के या पार्किंसन डिजीज के, रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, पिल रोलिंग मूवमेंट्स, ये कार्डिनल साइंस है। तो ब्रेडिकाइनेटिक मूवमेंट्स एक तरह से अटैक्सिया क्या होता है, अटैक्सिया लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल मूवमेंट, एक तरह से भी ब्रेडिकाइनेटिक सिम्टम्स ही है, तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जा रहा है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV का अगर मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट, रेडनेस, माइल्ड वार्मनेस, ऐसा हो सकता है, तो ये मोस्ट कॉमनली एडवर्स इफेक्ट है इसके का, स्कार अराउंड इंजेक्शन साइट है। VAP जो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस होती है वो किससे होती है, वो OPV वैक्सीन से होती है, जो बहुत रेयरली होती है, बहुत रेयर, मिलियंस की डोज में जब दी जाती है तब जाकर कोई एक आध केस देखने को मिलता है। बेस्ट मेथड टू लार्वा कंट्रोल, लार्वा कंट्रोल का बेस्ट मेथड, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट था कि इसमें ऑप्शंस यही थे या कुछ डिफरेंट थे, मैंने काफ़ी इसकी WHO की साइट देखी, CDC की साइट देखी, गम्पोज या जो लार्वा कंट्रोल मेजर का दे रखा है सिर्फ मलेरिया कंट्रोल, मलेरिया के लार्वा के लिए कंट्रोल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो केमिकल वाला जो मेथड दे रखा है वो ओवरऑल मोस्ट कॉमन लार्वा कंट्रोल का मेथड दे रखा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी डिपेंड करता है उसके ऊपर, अगर एक ही लैंग्वेज थी बेस्ट मेथड टू लार्वा कंट्रोल तो राइट आंसर सी जाएगा, अगर पार्टिकुलर मलेरिया लार्वा कंट्रोल की बात करें तो गम्बोसिया फिश हो सकता है, बाकी मैंने इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके राइट माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज, बाकी दिल्ली एम्स के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या आंसर राइट मानता है। ए पेशेंट्स कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ 105 डिग्री फारेनहाइट फीवर, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, आल्सो हैविंग वोमिटिंग एंड डायरिया पास्ट वन डे, एंड ही आल्सो हैविंग लूजनिंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन फॉर 2 ईयर, ही डजेंट अंडरगो एनी सर्जरी फॉर दिस, व्हाट विल यू डू। देखिए आपका पेशेंट आ गया 105 डिग्री फारेनहाइट फीवर का, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया है, उसके वोमिटिंग डायरिया भी हो रहा है पास्ट वन डे से, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन भी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को एडमिट कर लो भाई, उसकी सर्जरी का प्लान करो, कहीं कोई एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्यूड हो रहा है, इट मींस कि क्या हो सकता है उसके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, या फिर पेरिटोनाइटिस वगैरह होके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइनल रप्चर होके क्या हो सकता है उसको
इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, या फीवर का भी है, हाइपरटेंशन का भी साइन है, बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन है। मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डी लग रही, क्योंकि अगर उसको इन्फेक्शन भी है, इंटेस्टाइन वगैरह रप्चर हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या हाइपरटेंशन नहीं आना चाहिए था, हाइपोटेंशन वगैरह आना चाहिए था, लेकिन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आई है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिट द पेशेंट इन इलेक्टिव सर्जरी प्लान्ड। ए चाइल्ड इज एडमिटेड इन इमरजेंसी विथ फीवर एंड लिथार्जी, हिज पेरिफेरल पल्स इज डायमिनिश्ड एंड कैपिलरी रिफिल टाइम इज मोर देन 5 सेकेंड, फॉर वॉट थिंग नर्स विल मैनेज द चाइल्ड कंडीशन। पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, पेरिफेरल पल्स उसकी डायमिनिश्ड है, कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 5 सेकेंड है, इट मीन्स कि उसमें क्या सीवियर फ्लूड लॉस है, सीवियर फ्लूड लॉस हो चुका है, हाइपोवोलेमिया में बेबी है। यहाँ पर आपको क्या करना, राइट आंसर टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, यानी कि उसको एडमिनिस्टर आईवी फ्लूड का राइट आंसर होगा। ड्यूरिंग आरटीए पर्सन हैज स्ट्रोक देन पीपल्स आर, देखिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक पर्सन का एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से पेशेंट आता है जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक हो गया है, तो पीपल्स पर क्या आपको देखने को मिलेगा, पीपल्स में क्या, तो पीपल्स फिक्स होगी, अन्यूक्वल होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, डायलेट होगी, तो पीपल्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी उसकी। वोल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑफ कोविड 19 इज, देखिए वैक्सीन कई तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा है कि वोल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑफ कोविड 19 इज, इसलिए क्या जाएगी कोवैक्सीन, ठीक है। अब इसमें मैंने चारों ही वैक्सीन की बहुत अच्छे से डिटेल में आपके सामने रखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके अगले एग्जाम में ये काम आए। कोवैक्सीन देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस वोल वायरस वीरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, किस कौन सी कंपनी ने डेवलप की है, भारत बायोटेक ने, किसको, कोविड कोवैक्सीन को, किसके सहयोग से, ICMR एंड NIV पुणे के सहयोग से, ठीक है। कोविशील्ड की बात करें तो किस टाइप की वैक्सीन है, एडिनो वायरस स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्पुतनिक की बात करें तो ये किस टाइप की वैक्सीन है, ए वेक्टर वैक्सीन बेस्ड ऑन एडिनो वायरस DNA इन विच द सार्स कोव 2 कोरोना वायरस जीन इज इंटीग्रेटेड दैट डेवलप्ड बाय द गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन रशिया, यानी कि स्पुतनिक कहाँ से डेवलप हुई है, कहाँ, कौन सी कंट्री ने डेवलप की है, रशिया ने। मॉडर्ना की बात करें, ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है, mRNA बेस्ड वैक्सीन विच डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द कोरेस्पोंड्स वर्ड्स इज रिलेटेड टू, द कोरेस्पोंड वर्ड क्या है कि एक तरह से प्रेषित करना किसी चीज़ को, तो प्रेषित करना या फिर टू सेंड या टू कम्युनिकेट, तो वो किसके थ्रू होगा, वो लेटर के थ्रू, लेटर एक तरह से उसके ये एक तरह से इसका सिनोम्स पूछ रहा है, कोरेस्पोंड का सिनोम्स लेटर आएगा इसमें ना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF, PDF का फुल फॉर्म पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बेस्ट डिस्क्राइब्ड द असेप्सिस ऑफ एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या हो जाएगा, स्टरलाइजेशन के थ्रू आप उसको असेप्सिस कर सकते हैं। विच वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रेस्पायरेटरी कंपेंसेटेड, देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, pH और बाइकार्बोनेट दोनों ही डिक्रीज होगा, तो देखिए ये बी ऑप्शन जो मैंने रखा है उसमें देखिए डिक्रीज pH एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट, यहाँ तक तो समझ में आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब पूछ रहा है विथ रेस्पायरेटरी कंपेंसेटेड, देखिए मेटाबॉलिक को कौन कंपेंसेट करेगा, रेस्पायरेटरी, और रेस्पायरेटरी को कौन कंपेंसेट करेगा, मेटाबॉलिक, तो कंपेंसेट वाली कंडीशन में रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा कि CO2 का लेवल डिक्रीज होगा ताकि pH का लेवल इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ पर pH का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज है, इसको कंपेंसेट करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट, देख सेकेंड स्टेज लेबर कब से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन टू फिटल बर्थ। सेकेंड डिग्री बर्न कंसीडर, सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो जाएगा, दो ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो जाएगा और वो रप्चर भी हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री में पेन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ए पेशेंट में रिपोर्ट हेडिंग वॉइस क्रिटिसाइजिंग हिम एवरी टाइम ही हियर्स द साउंड ऑफ रोटेटिंग फैन एंड
विच स्टॉप वेन द फैन इज नॉट रनिंग, विच टाइप ऑफ हेलुजिनेशन अकर्स। देखिए एक पेशेंट है जो मतलब वॉइस से जा रही है उसकी, जब फैन रोटेट हो रहा है तब उसको कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही है जो उसको क्रिटिसाइज कर रही है, और वो बंद हो जाती है जैसे ही फैन को स्टॉप करते हैं। विच टाइप ऑफ हेलुजिनेशन अकर्स, देखिए काफ़ी तरह के अदर टाइप्स जो अपने आज तक शायद देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। यह है फंक्शनल हेलुजिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए, दिस टाइप ऑफ हेलुजिनेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर रियल सेंसेशन और इन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नेसेसरी टू प्रोवोक हेलुजिनेशन, ठीक है। और स्यूडो हेलुजिनेशन की भी यहाँ पर आर्कल दोनों की ही हमने डेफिनेशन रख रही है, इट इज एन इनवॉल्यूंट्री सेंसरी एक्सपीरियंस विविड इनफ टू बी रिगार्डेड एज ए हेलुजिनेशन बट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट इज बीइंग सब्जेक्टिव एंड अनरियल। ये आपको दोनों ही डेफिनेशन समझनी है। फंक्शनल हेलुजिनेशन में क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे उस ऑब्जेक्ट, जैसे कि फैन प्रेजेंट था जिसकी वजह से इल्यूजन होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट जब तक चल रहा है यानी कि फैन चल रहा है तब तक उसको हेलुजिनेशन हो रहा है, कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे ही फैन बंद हुआ उसको आवाज़ सुनाई बंद हो गई। लेकिन इल्यूजन में ऐसा नहीं होता, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट रहता है और वहां पर उसको मिस इंटरप्रिटेशन होता है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन दैट मस्ट बी कलेक्टेड फॉर ए कल्चर एंड सेंसिटिविटी यूरिन स्पेसिमेन फॉर ए 48 ईयर ओल्ड पेशेंट। देखिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए कितना सैंपल, यूरिन सैंपल रिक्वायर्ड होता है, आइडियल बात करें 10 ml यूरिन सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट स्टक इन ए चाइल्ड्स एयरवे विच मैनूवर कैन बी डन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। देखिए चाइल्ड के एयरवे में हो चाहे अडल्ट के एयरवे में हो, आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर यूज करना होता है जब फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, हेलमिच मैनूवर के नाम से जानते हैं। मैंने तीनों मैनूवर को और अच्छे से समझाया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। वाल्सालवा मैनूवर को जब भी कोई ऑब्जेक्ट बॉडी से रिमूव करते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स कि जब भी कोई ट्यूब्स वगैरह बॉडी से रिमूव करते हैं तो वाल्सालवा मैनूवर यूज किया जाता है ताकि उसको पेन कम हो, ठीक है। देखिए और वाल्सालवा मैनूवर, द वाल्सालवा मैनूवर इज ए ब्रीथिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज टू अनकलंग एयर्स रिस्टोर हार्ट रिदम और डायग्नोस एनी एनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। टू परफॉर्म द वाल्सालवा मैनूवर यू शुड क्लोज योर माउथ पिंच योर नोज शट एंड प्रेस द एयर आउट लाइक यू आर ब्लोइंग अप ए बेलून, जिसे आप कोई बेलून को फुला रहे हो, ठीक उसी तरह आपको वाल्सालवा मैनूवर परफॉर्म करना होता है। सेलिक मैनूवर की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज क्रिकोइड प्रेशर। कब यूज किया जाता है ये, ड्यूरिंग ईटी इंटूबेशन है, इंडोटेकल ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तब, टू ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रीजर्जिटेशन। सेलिक मैनूवर याद कर लेना, बार बार आ जाता है क्वेश्चंस मैनूवर के ऊपर। फ्रेगरेंस मैनूवर की बात करें तो ये किस में यूज किया जाता है, टू डायग्नोस कार्पल टनल सिंड्रोम वाली कंडीशन में। फंक्शंस ऑफ बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, लुब्रिकेट करती है वेजाइना को, या तो बिफोर सेक्सुअल एक्ट या फिर नॉर्मली, तो ये क्या करती है, लुब्रिकेशन टू द वेजाइना। अब देखिए यहाँ से मैंने बर्थोलिन ग्लैंड की पूरी डिटेल रखी है जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए सबसे पहले तो बर्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, एक क्वेश्चन। इसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। पी साइज्ड ग्लैंड, ठीक है, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर रीजन और इच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि लोकेशन ऑफ द बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर है, पोस्टीरियर रीजन पर है और इच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे सीक्रेट फ्लूड दैट हेल्प लुब्रिकेट टू द वेजाइना, समटाइम्स द डक्ट ऑफ दिस ग्लैंड्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड फ्लूड बैक्स अप फॉर्मिंग ए सिस्ट। ये अलग कंडीशन हो जाती है, आपको ऊपर वाली चीज़ें दोनों तीनों याद रखनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइट इन MSE, जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसमें इनसाइट का क्या मतलब है, इसका मतलब है ओरिएंटेड अबाउट टाइम प्लेस एंड पर्सन। विच टेक्निक यूज्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट अप्रोप्राइट,
प्लास्टिक डिस्कार्डेड इन रेड सही है, इन्फेक्टेड वेस्ट डिस्कार्डेड इन येलो ठीक है, वाइल्स डिस्कार्ड इन ब्लू बॉक्स ये भी ठीक है, लेकिन निडल बैंड और रिकैपिंग देके कभी भी निडल्स को यूज करने के बाद में बैंड करके ही उसको फेंकनी होती है, उसको रिकैपिंग नहीं करनी है ठीक है, उसको रिकैपिंग नहीं करनी है। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 1 ml एम्पुल कंटेन हाउ मनी यूनिट्स, 1 ml एम्पुल ऑक्सीटोसिन में 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन होती है, सिंटोसिन जिसको अपन दूसरा नाम भी देते हैं। टाइप ए एरर इज डिफाइंड एज, ये रिसर्च मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसका ए टाइप ए एरर फॉल्स पॉजिटिव इसका दूसरा नाम है, अगर इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट ए नुल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन। अब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रिजेक्टिंग ए नुल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी नर्सिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ सर्जरी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्जन की है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर या सर्जन की होती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है, नर्स ओनली उसको इंश्योर करती है कि कंसेंट ली है या नहीं ली है। टू मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, दिस इज द राइट आंसर, पेशेंट को साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर करना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सेज वर्क है। एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस ऑफ द सर्जरी, नर्स सर्जरी का क्या रिजल्ट रहेगा, वो सक्सेस रहेगी या अनसक्सेसफुल रहेगी, उसके जो भी कंसिक्वेंस है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सर्जन की है ना कि नर्स की। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सी। ओके, नॉन बाइलस वोमिटिंग इज सीन इन, नॉन बाइलस वोमिटिंग की बात करें तो वोमिटस कंटेंट अबाउट द ड्यूडेनल जंक्शन, अगर ड्यूडेनल जंक्शन के अबव से अगर वोमिटस कंटेंट्स आ रहे हैं जहाँ से बाइल डक्ट नीचे की तरफ ओपन होता है तो वो कौन सी कंडीशन में सीन होता है, होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक रीजन में जो स्टेनोसिस होती है अगर उस कंडीशन में वोमिटिंग हो रही है तो वो नॉन बाइलस टाइप की वोमिटिंग ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइट इंडेक्स में, कौन सा पैरामीटर है जो इंक्लूड नहीं है, IMR है, बेसिक लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ये भी है, लेकिन MMR इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इट मींस के 3 पैरामीटर से किसके, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ऑफ एज, ठीक है क्लियर है। और इस तीनों पैरामीटर से किसी भी कंट्री की लाइफ ऑफ वेल बीइंग और लाइफ ऑफ और वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री देखी जाती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि PQLI से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड बाय द नर्स इज द मोस्ट रिलायबल फॉर पेशेंट्स फ्लूड बैलेंस स्टेटस, देखिए मोस्ट रिलायबल यानी कि रिलायबल मींस कि एक्यूरेट, तो एक्यूरेसी की अगर अपन बात करें चारों ऑप्शन से कि कौन सा एक ऐसा मेथड है जो फ्लूड बैलेंस के स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए या चेक करने के लिए असेस करने के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड है तो वो होगा डेली वेट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। इनटेक आउटपुट आपका गलत हो सकता है, स्किन ट्रिगर आपका गलत हो सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन डेली वेट लेना आपका मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ फ्लूड स्टेटस। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेजाइनिटिस की बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको मेरी हेल्प करनी है कि इसमें मोस्ट कॉमन मेथड कॉमन कोज ऑफ वेजाइनिटिस में क्या क्या ऑप्शन थे, अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या जैसे भी देखें तो मोस्ट वेजाइनिटिस क्या होता है, वेजाइनाइटिस 2-3 तरह से होती है, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट कॉमन कोज इंक्लूड वेल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस जो क्या होता है, कैंडिडियासिस एल्ब्रिकेनस की वजह से होती है जो 20-25% तक होती है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस BV की बात करें तो गार्डिनेला वेजाइनलिस बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है। ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो 5-15% होती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी हो जाएगा, फिर भी आपको इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अकॉर्डिंग टू स्कैंडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इन सिजोफ्रेनिया पेशेंट आर नाउन एज फर्स्ट रैंक एक्सेप्ट। देखिए स्कैंडर्स के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स को आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो कौन सा है, विजुअल हेलुजिनेशन है जो फर्स्ट रैंक सिम्टम में आता है। फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक के सिम्टम्स इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हो आप, सॉरी इसमें विजुअल हेलुजिनेशन नहीं आता, बाकी तीनों इसमें जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा हुआ है। अब आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, सेकेंड रैंक सिम्टम्स, आजकल का जो क्राइटेरिया यूज करते हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को डिवाइड करने का वो है पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम। ये ओल्ड क्राइटेरिया था फर्स्ट रैंक सिम्टम और सेकेंड रैंक सिम्टम्स का, ठीक है। यहाँ ऑडिटरी हेलुजिनेशन सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, जबकि विजुअल हेलुजिनेशन की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, अल्जाइमर डिसऑर्डर में, यानी कि डेमेंशिया वाले पेशेंट में। ए पेशेंट विथ टेंशन निमोथोरिक्स कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन दैट कंडीशन नीडल इंसर्शन कैन बी डन एट। देखिए निमोथोरिक्स का पेशेंट है, आपको एयर कलेक्शन ऑफ द एयर इन थोरेक्स या फिर इन प्लूरल कैविटी, अब आपको इस एयर को रिमूव करना है, आपको नीडल इंसर्ट कौन सी लोकेशन पर करनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2B सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट एंटेरियर एक्जिला, ठीक है। अब यहीं पर अगर हिमोथोरिक्स की बात करते या हाइड्रोथोरिक्स की बात करते तो 8th से 9th इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाता वो। ए डॉक्टर ऑर्डर टू चेंज द ड्रेसिंग विच इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखिए ड्रेसिंग को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड वॉशिंग इज द प्राइमरी एंड प्रिंसिपल वर्क ऑफ द एनी प्रोसीजर, या यूँ कह सकते हैं कि इट इज द की फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स्ड, यूटेराइन प्रोलैप्स्ड की अगर यहाँ पर बात करें तो क्या मीनिंग होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस का सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना इज द यूटेराइन प्रोलैप्स्ड। अब इसकी भी कैटेगरीज है, कुछ डिग्रीज है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है, डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स्ड फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और थर्ड डिग्री वाली जो डिग्री होती है इसको प्रोसीडेंसिया भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इन विच इंटायर यूट्रस इन्वर्ट्स एंड प्रोट्रूड्स आउटसाइड वेजाइनल ओरिफिस, ये पूरा वेजाइना के बाहर आ जाता है इस कंडीशन में क्या यूट्रस, जिसकी वजह से क्या होता है यूट्रस ओपनली विजिबल होता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं प्रोसीडेंसिया, और इस प्रोसीडेंसिया में अल्सरेशन होने के चांसेज होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, जो क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो कैंसर का भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेटर ईमेल्स टीवी आर एग्जाम्पल ऑफ, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया थोड़ा। ए चाइल्ड विथ फीवर 102 डिग्री फारेनहाइट विच एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये बच्चा है जिसके 102 डिग्री का बुखार है तो प्रोवाइड आईवी फ्लूइड, बिल्कुल सही हाइड्रेशन देंगे उसको, चेक टेम्परेचर एवरी 4 आवर, बिल्कुल करेक्ट, कोल्ड स्पंज करेंगे, लेकिन उसको कवर विथ लाइट ब्लैंकेट, उसको कवर नहीं करना, कवर करेंगे तो उसका टेम्परेचर रिटेन होगा, टेम्परेचर रिटेन होकर और उसमें फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर इज बी। ए पर्सन एग्री विद द ऑर्गन डोनेशन बिफोर ट्रांसप्लांटेशन विच थिंग्स शुड बी डन एज प्रायोरिटी। देखिए ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही है और बिफोर ट्रांसप्लांटेशन क्या एक्शन है जो प्रायोरिटी बेस्ड होगा, कंसेंट फ्रॉम फैमिली मेंबर ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है, ब्लड टाइप रिलेशन देखने हैं कि वो रिलेटिव है या दूर का रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है, बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग क्या होती है, HIV SCV HBs AG वगैरह वगैरह देखना है, वायरल मार्कर्स प्रोफाइल, ये वायरल मार्कर प्रोफाइल्स होता है HIV HBs AG, बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग क्या होती है, ब्लड ग्रुपिंग मस्ट बी डन बिफोर एनी ट्रांसप्लांटेशन बिफोर एनी ऑर्गन डोनेशन, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग इज द राइट आंसर, हालांकि चारों ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर ऑन प्रायोरिटी, बट इन दिस ऑल द क्वेश्चंस मोर प्रायोरिटी वी शुड गिव टू बायोकेमिकल क्रॉस मैचिंग, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग आर ऑन टॉप लेवल प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट कंप्लेन राइट एब्डोमिनल टेंडरनेस
पेन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन, नोजिया वोमिटिंग एंड टू मच रेस्टलेसनेस इन एक्सरे फिल्म शोइंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन, व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप। देखिए ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, राइट एब्डोमिनल टेंडरनेस भी है, पेन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन जो अपेंडिसाइटिस में सीन होता है, नोजिया वोमिटिंग है, टू मच रेस्टलेसनेस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, बच्चे को एनपीओ रखना है और प्लान फॉर सर्जरी का करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिवेटेड कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन न्यूनेट। देखिए बिलरुबिन दो तरह का होता है आपके सामने, कॉन्जुगेटेड, सेकेंड वन अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड वो होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, अनकॉन्जुगेटेड वो होता है जो फैट सोल्यूबल होता है। अब इसमें पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, तो इसमें चारों ऑप्शन को आप देखोगे तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, राइट आंसर सी, इट इज वाटर सोल्यूबल एंड एक्सक्रेट वाया यूरिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए ग्राफिक डायग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्कोटर डॉट ग्राफिक डायग्राम नहीं होता, बाकी लाइन बार बार, लाइन ग्राफ बार हिस्टोग्राम में ये ग्राफिक डायग्राम होते हैं। इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग CPR ऑफ न्यूनेट ऑन ड्यूटी नर्स अनेबल टू असेस वीनस साइट। देखिए CPR के दौरान या इमरजेंसी के दौरान एक नर्स है जो बच्चे में न्यूनेट में IV कैनुला नहीं लगा पा रही है, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन फॉर नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अगर IV साइट असेस नहीं कर पा रहे तो आप इंट्राओसियस भी ड्रग्स इंजेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू इंट्राओसियस ऑफ द टीबिया, राइट आंसर। सेंट्रल लाइन का आपको प्लान नहीं करना है, काफ़ी टिपिकल प्रोसीजर होता है, लेंथी होता है, इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्विकली मेडिसिन इंजेक्ट करना होता है। ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक्स ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 16 किलोमीटर या 16 है जो आ जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। ये क्वेश्चन था PQR इज ए ट्राइंगल, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, तो इसका एक डायग्राम था आपको देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 4:1 आएगा, वो कैसे आएगा आप इस डायग्राम में आराम से समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर 4:1 कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट नंबर ऑफ सिक्वेंस 2, 6, 18, 72 की, इसकी नेक्स्ट नंबर ऑफ सिक्वेंस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो देखिए इसका राइट आंसर कैसे आएगा। देख मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 4, 5, 6, एक एक नंबर को 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे 72 × 5 आएगा 360, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। वेयर शुड द मिनट हैंड पॉइंट टू ऑन द बॉटम क्लॉक, देखिए इसका भी पूरा रेशनल दिया हुआ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका डायग्राम सर्कल बनाकर आपको वो डायग्राम शो हो रहा है होगा, इसमें दिखा दे रहा होगा आपको, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। कंप्लीट द टेबल, इस कंप्लीट टेबल को करेंगे, इसको इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, कैसे काउंट करो, इसमें 15 15 आ रहा है, 15 15, 7 5 12, 3 15 5, 2 7 8 15, इसमें 3 4 7 8 15 8 आ जाएगा इसमें डिजिट में बीच में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। इसमें आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना है, तो राइट आंसर का डिफरेंट करना दोनों में, तो 594 आ जाएगा। कैसे आएगा इसमें डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच नंबर कम्स टू द ऑन द क्वेश्चन मार्क, इसमें भी अगर अपन देखें तो दोनों तरफ से देखें तो 15 15 आता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 2 8 8 7 15। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज में भी अगर आप देखें तो देखें यहाँ पर 4 8 4 16 और 32 62, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका। विच, अब ये कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जो मैं आपकी सहायता से कंप्लीट करना चाहूँगा, अगर आप सहयोग कर सकें तो अच्छी बात, हम क्वेश्चनों को भी ऐड कर देंगे, अदरवाइज हमारे को इन दोनों क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट अटैच्ड विद द कॉर्नस ऑफ यूट्रस, कौन सी स्ट्रक्चर है जो अटैच नहीं होती है। तीन ऑप्शन थे, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, अगर आपके पास चौथा ऑप्शन भी है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लंग कैंसर डेवलप्स इन स्मोकिंग पर्सन, ये क्वेश्चन भी था या नहीं था, इसका भी आप मेरे को करेक्शन दें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को पूछा, किसी को आइडिया नहीं आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ याद आए, कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ये हो गए अपने 183 क्वेश्चन, अभी
और दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको GMCH पटना, GMCH चंडीगढ़ या पटना एम्स की लेटेस्ट चीज़ ज्वाइन करनी है तो आप वेबसाइट पर विजिट करें www.missnainsh.com। और हमने मिसनाई ने मिलकर कोशिश की है कि आपके सामने दोनों ही शिफ्ट के पेपर लेकर आए विद ऑप्शंस और पूरा रेशनल के साथ में आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको इन दोनों ही पेपर की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो जिसमें मिशन ओल्ड वाले ओल्ड पेपर वाली बुक में सभी पुराने पेपर्स आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में विथ रेशनल, और भी जो बुक्स है वो ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मिशन परिचारिका जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें कंप्लीट 2015 से 21 तक के ओल्ड पेपर्स है, मिशन CHO जो CHO पैटर्न के अनुसार बनाई हुई है जो ऑल स्टेट्स के CHO स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए हैं, और मिशन नॉन टेक जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है मैथ रीजनिंग GK कंप्यूटर साइंस उनका सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय नर्सेज़।